नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कच्चे आम की पुदीने वाली चटनी बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा स्मोकी फ्लेवर वाली होगी, तो किसी भी पकौड़ी या स्नैक्स के साथ खाइए, बहुत टेस्टी होगी। तो आइए इस टेस्टी सी चटनी को बनाते हैं। तो इस चटनी के लिए देखिए, मैंने थोड़ी से कच्चे आम को इस तरह छील कर काट लिया है, एक प्याज के दो टुकड़े किए हैं इस तरह, थोड़ा पुदीना लिया है, हरी मिर्च है और लहसुन और अदरक है, ये सब कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है। ये हरी मिर्च तीखी नहीं है, आप तीखी वाली भी ले सकते हैं। और मसालों में देखिए, केवल जीरा, नमक और लाल मिर्च है। और प्याज को देखिए, इस तरह से मैंने दो टुकड़ों में काट लिया है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका। तो ये देखिए, एक इस तरह से आप कांटे में प्याज और लहसुन अदरक को डाल लीजिए और इसे हम इस तरह से गैस पर भून लेंगे। वैसे ये गाँव में चूल्हे पर किया जाता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अब गैस पर ही होगा यहाँ। तो इन्हें बहुत अच्छे से भूनना है, मिर्च बहुत जल्दी हो जाएगी, लहसुन और अदरक भी हो जाएगा, प्याज थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन चटनी बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इन सब का, भुने हुए का स्मोकी फ्लेवर। तो इन्हें 5 से 7 मिनट में आप अच्छे से भून लीजिए। तो ये देखिए, प्याज कितने अच्छे से भुन गया है। तो आइए चटनी बनाते हैं हम। तो अब इन्हीं सभी चीज़ों को हम मिक्सर में डाल लेंगे, प्याज को काट लेंगे हम इसमें और ये लहसुन अदरक भी निकाल लेंगे और पुदीना और ये कच्चा आम डाल देंगे और सारे ये सूखे मसाले डाल देंगे, नमक, जीरा और लाल मिर्च है। कोई और चीज़ अगर आप फ्लेवर के लिए मिलाना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं और बहुत थोड़ा पानी डालेंगे इसको पीसने के लिए। तो ये देखिए, हमारी चटनी बनकर तैयार है। तो इस चटनी को किसी भी स्नैक के साथ खाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।